सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत अते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। अज दी खबरां दे विच अहम है पंजाब दे किसानी संघर्ष दे नाल जुड़ी खबर। किसान गए सी दिल्ली पर उत्थे गल नहीं बनी ते बाइकआउट करके वापस आ गए, पर दिल्ली सरकार नूं आवाज़ां सुना के आए ने कि मोदी सरकार मुर्दाबाद दीआं आवाज़ां सुना के आए ने। जुमलियां वाली सरकार मुर्दाबाद अजिहे नारियां दे नाल दिल्ली नूं गुंजा के भी आए ने किसान। कैप्टन सरकार ने भी 19 अक्टूबर नूं खेती कानूनां दे मुद्दे दे उत्ते विधानसभा दा स्पैशल इजलास सद्दण दा ऐलान कर दित्ता है। स्कूल सिक्ख्या विभाग ने स्कूल छड्डण दा सर्टिफिकेट देण दी विधि नूं सौखी बना दित्ता। एक होर अहम खबर यह है कि कल तो पूरे देश दे विच स्कूल खोलण दा इजाजत है, जिहड़ी स्कूल खोलण दी इजाजत दित्ती हुई है केंद्र सरकार ने, उस दे तहत कई सूबिआं ने स्कूल खोलण दा ऐलान कीता है ते पंजाब दे विच वी स्कूल खोलण दी इजाजत दे दित्ती गई है। हुण कल नूं जां फिर कई स्कूल कल तो बाद स्कूल खोलने शुरू कर देणगे। पंजाब दे विच इंटर स्टेट बस सर्विस मुड़ तो शुरू हो गई है। बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा दे उत्ते हमला किसानां ने कीता सी, एक है पंजाब दे डीजीपी दिनकर गुप्ता ने, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी। हरियाणा दे विच बीजेपी दे लीडरां ने कानूनां दे हक दे विच ट्रैक्टर रैली कढ़ी तां किसानां ने जबरदस्त विरोध किया, भाजना पा दित्तियां, पर बीजेपी दे लीडर फिर भी कहिंदे रहे कि सारा जिहड़ा मुल्क दा किसान है वह मोदी दे नाल खड़ा है। फतेहगढ़ साहब दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले दे विच पंजाब पुलिस ने स्पैशल जांच टीम का गठन कर दिता है। SGPC प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने दोषियों को फांसी की सज़ा देने की मांग की है। भारत दीआं अहम खबरां दे विच असीं तुहानूं दसांगे भारत के सब तो वड्डी उम्र के उस बजुर्ग की खबर जिन्हां दे उत्ते भारत दे विच अतवादी केस चलेगा, अतवादी होण दा केस चलेगा। पहले ये बजुर्ग होणगे भारत दे विच वडेरी उम्र दे। हाथरस मामले दे विच योगी सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा दे विच 8 CCTV कैमरे ते 51 पुलिसकर्मी तैनात कर दिते ने। कई अहम खबरां ने पंजाब भारत ते दुनिया दे नाल जुड़ियां होईयां, सारियां दा विस्थार दसांगे। शुरुआत पंजाब दीआं खबरां तो पंजाब दीआं अहम खबरां दे विच सब तो पहलां गल होएगी दिल्ली दी। दिल्ली दे विच किसानां दी बैठक हुई केंद्र दे कुछ नुमाइंदियां दे नाल, पर इह मीटिंग बेसिट्टा रही। किसान इस मीटिंग दा बाइकआउट करके बाहर आ गए सी। कृषि भवन दे विच दिल्ली दे विच इह मीटिंग चल रही सी, पर किसानां ने बाहर आके इल्जाम लाया कि असीं मीटिंग अध विचाले छड्ड के आ गए हां, क्योंकि केंद्र दा कोई भी वजीर इस मीटिंग दे विच नहीं पहुंचा सी। सिर्फ खेतीबाड़ी मंत्रालय दे जिहड़े दफ्तरी कामकाज वाले जिहड़े अधिकारी हैगे ने उह साडे नाल मीटिंग करन आए सी ते उह सानूं समझाउणा चाहुंदे सी कि तुसीं इहनां कानूनां नूं ध्यान नाल पढ़ो, फिर देखो इहनां दे विच की लिखिआ है। किसान लीडरां ने कहा कि असीं ये सारे कानून पढ़े हुए ने, केंद्र सरकार ने साडा मजाक बनाया है, केंद्र सरकार सानू मूर्ख बना रही है, सानू गुमराह करके दिल्ली बुलाया गया। सानू कहा गया सी कि अंदोलन बारे असीं तुहाडे नाल गल करना चाहुंदे हाँ, जदके केंद्र सरकार नू असीं साफ कर दिता सी कि साडे नाल सरकार दा कोई वड्डा नुमाइंदा गल करे, कोई वजीर पद्धर दा व्यक्ति जिहड़ा उह साडे नाल गलबात करे, अते असीं सिर्फ ते सिर्फ यही चाहुंदे हाँ कि तिन्ने खेती कानून ने जिहड़े उह रद्द कीते जाण, उहनां नू सरकार वापस लवे। पर सरकार ने साडे नाल गलबात करनी ही उचित नहीं समझी, बल्कि जिहड़े अधिकारी भेजे सी उह सानूं समझाउण लग पे कि तुसीं खेती कानूनां नू चंगी तरां पढ़ो। किसान कहिंदे कि असीं इक इक अक्खर पढ़िया, कि असीं पढ़े बिना ही रौला पा रहे हाँ, क्यों सानू दिल्ली बुलाया, क्यों तुसीं दोगली नीति अपना रहे हो, जदों तुसीं पंजाब दे विच आपदे वजीरां दी फौज भेज रखी है उत्थे वर्चुअल रैलियां करके। सो कॉल्ड किसान, ये बलवीर सिंह राजेवाल ने अखर वरत्या कि सो कॉल्ड किसानां नू समझा रहे ने केंद्र दे वजीर, ते फिर सानू इत्थे क्यों बुलाया गया, फिर उही वजीर साडे नाल पंजाब दे विच गलबात कर लैंदे, ये जिहड़ा दोगलापन अपनाउण दी की लोड़ सी। सो दिल्ली दे विच किसानां ने इस मीटिंग का बाइकआउट करन तो बाद की कुछ किया वह भी तुहानू सुनाउणे आ, ते कुछ होर जिहड़े बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब का माहौल खराब करना चाहुंदी है, असीं पंजाब तो चल के दिल्ली आए कि केंद्र सरकार सानू कोई ना कोई साह पियाऊगी, पर केंद्र सरकार ने साडी बेइज्जती की है, सानू इत्थों बुला के साडे कोल कोई चज्ज दा नुमाइंदा भी नहीं भेजिया।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਰੇ ਗੂੰਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਨਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੂੰਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਪਲਟਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਐਲਾਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋ ਭਰੋਸਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇਗੇ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਜਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਵਹੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਥੇ ਵਹੀ ਕਹਾ ਕਿ ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮ ਐਸਾ ਸਿੱਖਣੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਮ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹਮ ਥੋੜੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਜਸਟੀਫਾਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਏ ਹੈ, ਵਹੀ ਇਨ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕੋ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਚੀਟ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮੇਂ ਹਮ ਕੱਲ ਕੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸਕੋ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ। ਹਮੇ ਜਹਾਂ ਬੁਲਾ ਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਮਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਾ ਥਾ, ਜਬ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਹਾਂ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ CPM ਕੇ ਆਫਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤਬ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ, ਜਬ ਜਹਾਂ ਆਏ ਤੋ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਸਿਰਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਹਮ ਉਨਕੋ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ
बैठक छड़ के बाइकआउट करके बाहर आ गए सी। जिहड़ियां इह सांझा वफद सी, सत मैंबरी वफद सी, उन्हां दीआं जिहड़ियां मंगां सी उन्हां दे विच मुख तौर ते इही कि सब तों पहलां तां तिन्ने कानून रद्द कीते जाण, स्वामीनाथन कमिशन दीआं सिफारशां लागू कीतीआं जाण, हर फसल MSP दे उत्ते खरीदी जावे, MSP नूं कानूनी मानता दित्ती जावे, जे कोई भी MSP तों होर भाअ दे उत्ते खरीदा है फसल नूं उहदे खिलाफ परचा दर्ज किया जाए। सो ये मंगा सी। ते एक भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा उहदे नुमाइंदे भी वक्खरे तौर ते पहुंचे सी दिल्ली दे विच। उहनां ने जिहड़ा मंग पत्र दित्ता सी उहदे विच भी कुछ जिहड़ियां मंगा सीगियां उह रखियां गईयां सी। उह मंगा दे बारे भी असीं तुहानूं दस दिंदे हां कि भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा दीआं की मंगा सी। 3 नवे खेती कानून ते बिजली सोध कानून रद्द किए जाण, सर्वजनक जनतक वंड प्रणाली मुल्क भर च लागू की जाए ते इस विच मुढ़ली लोड़ दीआं वस्तुआं शामिल कीतीआं जाण, सारियां फसलां दे लाहेवंद भाअ मिलण दा स्वामीनाथन कमिशन दे वल्लों सुझाया फार्मूला C2+50% तों कीमत घट ना होवे लागू कीता जाए, घट्टो घट समर्थन मुल ते सरकारी खरीद यकीनी करना कानूनी तौर ते पक्का कीता जाए, स्वामीनाथन कमिशन दीआं सारीआं सिफारशां लागू कीतीआं जाण, खेती जिणसां दे व्यापार दे विच बहुकौमी कंपनीआं ते वड्डे व्यापारियां नूं दित्तियां खुल्लां रद्द कीतीआं जाण, सरकारी मंडियां दे विच वड्डे व्यापारियां ते बहुकौमी कंपनीआं वल्लों कीती जांदी किसानां दी लुट दा खात्मा कीता जावे, खेती लागत वस्तां दे व्यापार दे उत्ते देसी कारपोरेटा ते विदेशी बहुकौमी कंपनियां दे गलबे दा खात्मा कीता जावे ते इह वस्तुआं सस्ते रेटां दे उत्ते किसानां नूं मुहैया करवाईआं जाण, देश भर दे विच गिरफ्तार कीते गए बुद्धिजीवियां जमहूरी हक्कां दे कारकुनां ते विद्यार्थी कारकुनां नूं फौरी रिहा कीता जावे, झूठे केस वापस लए जाण, मुल्क भर दे विच संघर्ष करन दे हक्कां दे उत्ते मड़ियां रोकां खत्म कीतीआं जाण अते संघर्ष करन दे जमहूरी हक दी जामनी कीती जावे। इह जिहड़ा मंग पत्र है लिखा गया भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा दे जिहड़े सूबा प्रधान जोगिंदर सिंह वल्लों ते सूबा जनरल सकत्तर सुखदेव सिंह कोकरी कलां दे वल्लों। ये वो जथेबंदी है जिसने जिहड़ियां किसानी जथेबंदियां तो वक्खरे तौर ते एक दिन पहला ही ऐलान कर दिता सी कि असी केंद्र दे नाल मीटिंग करन दे लई तैयार हाँ, जबकि एक होर जथेबंदी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है जिहड़ी उसने ऐलान कर दिता सी कि असी केंद्र दे नाल बैठक नहीं करांगे, ते उस जथेबंदी ने यह भी ऐलान कर दिता है कि असी रेल रोको अंदोलन 17 अक्तूबर तक वधा दिता है। इन्होंने 24 सितंबर तो शुरू किया होया रेल रोको अंदोलन। हालांकि किते ना किते वखरेवा है जथेबंदियां दे संघर्ष दे तरीकों दे विच, पर मंग इक्को ही है, एकजुटता पूरी है। सो दिल्ली दे विच जाके किसानां दे नाल जो कुछ भी होया इस दे प्रतिकर्म है जिहड़ा उह पंजाब दे लीडरां वल्लों दिता जा रहा है। किसान जथेबंदियां दे हक दे विच बयान दिता है कैप्टन दी कैबिनेट दे 3 मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा ते सुखविंदर सिंह सरकारिया। यह जिहड़ी कमेटी बनाई गई है किसानां दे नाल गलबात करन दे लई कैप्टन सरकार दे वल्लों, इन्हां ने सांझे तौर ते बयान दिता है कि केंद्र सरकार वल्लों सद्दी मीटिंग दे विच किसी भी केंद्रीय मंत्री का ना पहुँचना सारे पंजाब का अपमान है। सुखबीर बादल भड़क गए ने, उन्होंने भी ट्विटर पर भड़ास कढ़ी है। कहा गया कि भारत सरकार वल्लों किसानां नाल कीता गया धोखा हैरान करन वाला है, अन्नदाता की पिट्ठ विच छुरा मारना अते उन्हां नाल उन्हां दे जज्बातां नाल खेडां खेडणियां राष्ट्रीय हित नूं नुकसान पहुँचाउंदा है। खेतीबाड़ी लीडरां नूं गलबात लई दिल्ली बुलाउणा ते NDA दे मंत्रियां नूं पंजाब भेजणा केंद्र दे दोगलेपण ते नापाक पखंडां दा पर्दाफाश करदा है। एक बहुत वड्डा इंसल्ट कीता है सेंटरी सरकार ने। पहली गल, तुसी जथेबंदी नूं बुलाउंदे हो फिर तुसी इक सैकटरी दी ड्यूटी लाउंदे हो जिहड़े सैकटरी कोई फैसला कर ही नहीं सकदा। घट तो घट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या उन्होंने BJP की टॉप लीडरशिप गवर्नमेंट की होनी चाहिए है। आह तो मैं लगता सही मेहनत इंसल्ट किया। हरसिमरत कौर बादल जिहड़ी किसी वेले केंद्र दे विच ही हुंदी सी ते उन्होंने भी अपना गुस्सा जाहिर किया। बीबा हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मैनू उम्मीद सी कि किसान दिल्ली जाणगे तां सरकार उन्हां दी गल करेगी, पर अज जो कुछ होया उस तो बाद मैनू बहुत धक्का लग्या। यानी कि हाले तक भी हरसिमरत बादल नूं किते ना किते अपनी जिहड़ी पुरानी सरकार है, अपनी साबका कह सकदे वी साबका लीडरां दे उत्ते साबका आका दे उत्ते यकीन सी कि केंद्र सरकार उन्हां दी गल सुनेगी, पर उह यकीन भी अज टुट गया। उन्होंने कहा कि पंजाब तों दिल्ली तुसीं सद्या इह तुहाडे कोल आए पर तुहाडा कोई भी मंत्री इन्हां नूं नहीं मिलिया, केंद्र सरकार दी नीति ते नीयत
शीशे वांगू साफ हो गई है। जिथे मेरी आवाज नहीं सुनी गई उथे अज किसान जथेबंदियों की गल भी नहीं सुनी गई। यह कहा हरसिमरत कौर बादल ने। हुण गल कर लैने पंजाब की। पंजाब दे विच की कुछ होया? अहम गल सी कि पंजाब की कैबिनेट बैठक सदी गई, उहदे विच नज़रां टिकियां होईयां सी कि विधानसभा सैशन कदों बुलाउण दा ऐलान करेगी पंजाब सरकार, ते उह ऐलान कर दित्ता 19 अक्तूबर आउंदे सोमवार नूं। खेती कानूनां दे मुद्दे दे उत्ते पंजाब सरकार विशेष सैशन सद रही है, विशेष इजलास दे विच खेती कानूनां दे मुद्दे दे उत्ते कोई ना कोई मता जिहड़ा उह पास कीता जा सकता है पंजाब विधानसभा दे वल्लों। इह पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी अगवाई दे विच जो बैठक कीती है उस दे विच ऐलान कीता है। सो इजलास बुलाउण दे नाल नाल पंजाब सरकार ने कई होर अहम फैसले ले ने कैबिनेट की बैठक दे विच। एक अहम फैसला है चोणां समय जिहड़ियां नौकरियां देण दा वादा कीता सी कैप्टन साहब ने, हुण 1,00,000 नौजवानां नूं सरकारी नौकरियां देण दा ऐलान कर दिता है। पिछले दिनी वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने संकेत दिता सी कि आने वाली कैबिनेट बैठक दे विच नौकरियां देण दे उत्ते मोहर लग जाएगी, तो वह ला दिती गई है। हुण देखदे आ आउंदे 6 महीनों दे विच 1,00,000 सरकारी नौकरियां ने जिहड़ियां उह पंजाब दे किहड़े किहड़े नौजवानां नूं मिलदियां ने, क्योंकि एक लॉटरी कह सकदे आ इह नौकरियां दी 6 महीनों दे विच 1,00,000 नौकरियां। इस दे नाल ही पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई दे विच होई इस कैबिनेट दी बैठक दे विच झुग्गियां झौंपड़ियां वालियां नूं जमीन दी मालकी देण दे लई बणाए नियमां दे नोटिफिकेशन नूं भी मंजूरी दे दित्ती है। इस दे नाल ही औरतां दे लई सरकारी नौकरियां दे विच 33% राख कोटा रख्या गया है। इहदे नाल औरतां नूं रुजगार दे कई मौके मिलणगे, इह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा कीता है। कैप्टन सरकार ने सारे केंद्रीय स्टेट ते निजी अदारियां दे विच SC विद्यार्थियों नूं डॉक्टर BR अंबेडकर SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम देण दा राह पद्धरा कर दिता है, ते हुण 4,00,000 सालाना आमदन वाले परिवार दे बच्चे भी इस वजीफे दा लाभ लै सकणगे। सूबे दे विच कोविड संकट दे मद्देनज़र सेवा मुक्त हो रहे डॉक्टरां ते मैडिकल स्पैशलिस्टां दे 1 अक्तूबर 2020 तो 31 दसंबर 2020 तक सेवा काल विच 3 महीने दा वादा कर दिता है। मुड़ नौकरी ते रखण नूं भी मंजूरी दे दित्ती है, यानी कि जिहड़े रिटायर हो रहे ने उहनां नूं मुड़ नौकरी ते भी रख्या जा सकदा है। कैबिनेट वल्लों पंजाब हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर टैक्निकल ग्रुप C सर्विस रूल्स 2016 दे विच सोध नूं भी मंजूरी दे दित्ती गई है। अगलियां कुछ खबरां भी किसानां दे संघर्ष दे नाल ही जुड़ियां होईयां ने। इह खबर हरियाणा तों आ रही है। हरियाणा दे अंबाला दे विच BJP लीडरां ने ट्रैक्टर रैली कढ़ी, किसानां नूं समझाउण दी कोशिश दे विच ट्रैक्टर रैली कढ़ी सी कि किसानां नूं समझाया जाएगा तिन्ने खेती कानून ने जिहड़े उह तुहाडे हक दे विच ने, पर किसानां ने इत्थे जबरदस्त विरोध कीता। उस तों बाद छिथे होए BJP लीडरां ने कहा कि साडा विरोध किसानां ने नहीं, साडा विरोध कांग्रेस ने कीता है। पहले दिन तो इह जिहड़ी BJP दी सीनियर लीडरशिप, इत्थों तक कि प्रधानमंत्री भी कह चुके ने कि सड़कां दे उत्ते बैठे किसान नहीं हैगे, कांग्रेस दे एजेंट हैगे ने, कांग्रेस दे पिछे लग के किसान अजिहे जिहड़े रोस विखावे कर रहे ने। ते यही अंबाला दे विच BJP लीडरां ने कहा कि इह किसानां ने नहीं, साडा विरोध कांग्रेस ने कीता, पर साफ तौर ते दिखदा सी कि किसान विरोध कर रहे ने, काले झंडियां दे नाल जबरदस्त विरोध कीता गया। इत्थों तक भी BJP दे लीडर कह रहे सी कि सारा किसान मोदी दे नाल खड़ा है, ते ये सिर्फ कांग्रेस ते विरोधी पार्टियां ही विरोध कर रही ने ते किसानां नूं भड़का रही ने। खबर बठिंडा तो है जिथे भुच्चो मंडी दे विच भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दे वल्लों जिहड़ा टोल प्लाजा ते धरना लाया होया 14वें दिन भी जारी रहा। किसान तां इत्थे पहुँच ही रहे ने, हुण औरतां भी इत्थे पहुँचनियां शुरू हो गईयां ने, ते टोल प्लाजा नूं रोज़ाना 7 to 8 lakh रुपए दा नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसान इत्थों लंघण वाले वाहनां नूं फ्री लंघा रहे ने बिना परची कटाए तों। ते किसान कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जदों साडी मौत दा वारंट लिख दिता है इन्हां कारपोरेट घराणियां दे अधीन हो के, तो सानू इन्हां दी कोई परवाह नहीं, इन्हां दे व्यापार डुबदे ने डुब जाण पर असीं मरन वाले होए बैठे आ, साडे जिहड़े खिलाफ कानून पास कीते ने उहनां नूं रद्द करो तां ही असीं टोल प्लाजे खाली करांगे। किसानां ने चेतावनी दित्ती है कि केंद्र सरकार ने इत्थे जिहड़ा भी प्रोजैक्ट लिआंदा है, चाहे वह टोल प्लाजा है, रिलायंस मॉल है, रिलायंस पैट्रोल पंप है, वह सारे प्रोजैक्ट असीं बंद करा के हटांगे जे केंद्र सरकार साडी मंग नहीं मनदी। ते हुण गायकां तों बाद किसानां दे नाल गैंगस्टरां दे ग्रुप ने जिहड़े ओह भी डट गए ने। सोशल मीडिया ते पोस्टां लगातार शेयर कीतियां जा रहियां ने। पंजाब दे विच किसानी संघर्ष दे विच गायक पहले दिन तों ही जुटे होए ने, बुद्धिजीवी साथ दे रहे ने, पंजाबी फिल्मां दे अदाकार ने जिहड़े ओह जुटे होए ने, लेखक होण विद्यार्थी वर्ग होवे सारे नाल ने। ते हुण गैंगस्टरां दे कुछ ग्रुप ने जिहड़े ओह भी फेसबुक दे उत्ते सोशल मीडिया
मीडिया के उत्ते किसानां दी जिहड़ी हमायत कर रहे ने, चाहे कबड्डी खिडारी ने, पहलवान ने, वह भी हुण धरनियां दे उत्ते पहुँच रहे ने। एक फेसबुक यूजर शेरा खुबन उसने लिखा है, अपने झंडे सुट किसानां दे हक दे विच खड़े होवो, यानी कि गैंगस्टर हुण इकट्ठे हो रहे ने कि आपो अपने असी आपो अपनी हैंकड़ नूं छड्ड के किसानां दे हक दे विच खड़े होईए। सारियां पार्टियां ते कलाकारां नूं बेनती करदे आ कि वह आपो अपने झंडे सुट देन, किसानां दे हक दे विच खड़े हो जाण। गैंगस्टर दविंदर बबीहा दे नां दे उत्ते फेसबुक अकाउंट बनिया होया, उस दे विच वी लिखिया, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान दे पुत हां, किसानां नाल ही खड़ांगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उसने भी वीडियो सांझा कीता है, इस दे विच वीडियो दे विच किसानां दी हमायत कीती गई है। लिखिया कि इस वीडियो नूं किसानां लई सांझा जरूर करो, जय हिंद। ते पिछले दिनी तुसीं देख ही रहे हो कि पिछले कुछ सालां तों गैंगस्टर हुंदा सी इक नौजवान, किसे वेले लखा सिधाणा, वो अज कल समाज सेवी है अते किसानां दे इस संघर्ष दे विच मोरी होके चल रहा है। पंजाब दीआं अहम खबरां दे विच अगली जरूरी खबर है कि पंजाब दे विच इंटरस्टेट बस सेवा मुड़ तो शुरू हो गई है। 7 महीनों बाद बस सेवा चालू हुई है। हुण पंजाब दीआं बसां गुआंढी सूबे ने, चाहे दूर दे सूबे ने, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इत्थे हुण चल सकणगीआं। हुण गल करदे आं पंजाब दे विच जिहड़ा बीजेपी दे पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा दे पिछले दिनी जलंधर जिले दे विच हमला होया सी, टोल प्लाजा दे नेड़े हमला होया सी, उस नूं लैके वड्डी खबर यह है कि पंजाब दे डीजीपी दिनकर गुप्ता ने वड्डा दावा कीता है कि अश्विनी शर्मा दे उत्ते जिहड़ा हमला होया सी उहदे विच किसान यूनियनां दे मैंबर भी शामिल ने। दिनकर गुप्ता ने दावा कीता है कि असीं यूनियन दे मैंबरां दी शनाखत कर लई है जिन्हां ने 12 अक्तूबर नूं अश्विनी शर्मा उत्ते हमला कीता सी। ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी डीजीपी दे इस बयान दी हमायत कीती है, कहा है कि अश्विनी शर्मा दे उत्ते होए हमले दे विच किसान यूनियन दे मैंबर शामिल सी, जबकि बीजेपी हुण तक कहिंदी आ रही है कि यूथ कांग्रेस ने साडे ते हमला कीता है, साडे उत्ते कांग्रेस लीडरां ने हमला कीता है। हुण मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी दे वल्लों मुख मंत्री बने ने, डीजीपी दिनकर गुप्ता उन्हां दी सरकार दे अंडर पंजाब दा मुख पुलिस अधिकारी है। सो हुण किसानां दे संघर्ष दे उत्ते इह गल सुट्टी जा रही है, इह पुख्ता है, जां फिर कांग्रेस दी सरकार है जिहड़ी कैप्टन साहब दी सरकार, उह अपने गलों गलावां लाउण दे मारे किसानां दे उत्ते सुट रही है, इस बारे कुछ नहीं असीं कह सकदे। पर इह दावा कीता है पंजाब दे डीजीपी ने, डीजीपी दा बयान मायने रखदा हुंदा है। उन्हां ने कहा कि शाम 7 बजे दे करीब 12 अक्तूबर नूं जदों वख-वख किसान यूनियनां दे नाल संबंधित 25 प्रदर्शनकारी अश्विनी शर्मा दे गड्डियां दे काफले दे सामने आ के खड़े हो गए सी, ते अचानक उह काले ते पीले रंग दे झंडे चुकी उन्हां दे पायलट सुरक्षा वाहन ते इनोवा गड्डी मूहरे आ के नारेबाजी करन लगे सी, ते इह सारे किसान यूनियनां दे मैंबर सी, इन्हां विच कोई भी कांग्रसी शामिल नहीं सी। ते प्रदर्शनकारी तकरीबन 2 हफ्तियां तों नैशनल हाईवे 1 दे उत्ते पैंदे चुलांग विखे टोल प्लाजा दे उत्ते बैठे सी। डीजीपी ने अगे भी दस्सिया कि 15 तों 18 सैकेंड दे विरोध तों बाद काफले विचले दोवें वाहनां नूं जाण दित्ता गया, पर प्रदर्शनकारियां दे विच्चों इक व्यक्ति ने झंडे दी सोटी दे नाल इनोवा दे पिछले शीशे नूं तोड़ दिता। हुण तुसीं सोच सकदे हो कि झंडा जिहड़ी सोटी ते टंगिया हुंदा उह कि बहुत मोटी सोटी तो नहीं होंदी, एक पतलियां पतलियां सोटियां होंदियां ने, उहदे नाल इनोवा गड्डी दा पिछला शीशा टुट जाना ये भी एक अचंभे वाली गल है। इस दौरान इनोवा दे एक पासे दी ग्लास विंडो का भी नुकसान होया। सुरक्षा इंचार्ज ASI हरिराम ते पंजाब पुलिस दे 3 कमांडो समेत 7 तों वध निजी सुरक्षा अफसर जो घटना समय अश्विनी शर्मा दे नाल सी अपने वाहनां चों उतर गए ते बीजेपी दे पंजाब मुखी नूं सुरक्षित उत्थों परां लै गए। ये सारी जिहड़ी घटनाक्रम डीजीपी दिनकर गुप्ता ने दस्या है, ते किसानां दे सिर दे उत्ते हुण इह सारा इल्जाम पा दित्ता गया कि किसानां ने अश्विनी शर्मा दे उत्ते हमला कीता सी। CM साहब ने भी इस बयान दी हमायत कीती है। सो पंजाब दे DGP ने इह बयान दित्ता है, ते उधर कांग्रेस दे एक MP ने लुधियाणा तों रवनीत बिट्टू उन्हां ने एक वखरा ही बयान दित्ता। उन्हां ने कहा कि मैं जिम्मेवारी लैंदा, अश्विनी शर्मा दे उत्ते हमला मैं कीता सी, किसानां ने नहीं कीता, परचा मेरे ते दर्ज करो, किसानां ते ना करो। इह वी कहा कि अगे जिहड़े भी बीजेपी लीडर दे उत्ते हमला होएगा
वह मैं ही करवाया होगा तो मेरे खिलाफ ही उदा परचा जड़ा वह दर्ज किया जाए, किसानों ना तकलीफ दी जाए, किसानों अपना संघर्ष जारी रखन दौ, शांतमय तरीके संघर्ष कर रहे हैं उन्होंने राह रोड़ा ना बनो। अगली खबर है कि पंजाब का सबका DGP सुमेध सैनी जो 29 साल पुराने बलवंत सिंह मुल्तानी कतल केस के फसया होया है, उस मामले की सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों के मुताबिक हूँ इस मामले के सुमेध सैनी की गिरफ्तारी के उत्ते अंतरिम रोक है जी फिलहाल जारी रहेगी। पिछले दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सुनाया सी कि सुमेध सैनी की गिरफ्तारी के उत्ते असी अगले हुक्मों तक रोक लाने ते अगली सुनवाई 14 अक्तूबर से पा दी सी। सुनवाई हुई हूँ फिर सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया सुमेध सैनी नूं, कहा कि अगले हुक्मों तक सुमेध सैनी की गिरफ्तारी के उत्ते अंतरिम रोक है जी जारी रहेगी। अगाऊ जमानत ते FIR रद्द करने की मंग ते सुनवाई है जी 4 हफ्ते बाद होएगी, क्योंकि सैनी ने सुप्रीम कोर्ट के पटीशन दाखिल की है कि मेरे खिलाफ जिहड़ा मोहाली के मटौर थाने दे विच परचा दर्ज होया, अपराधिक केस दर्ज होया, उसनू रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सैनी दे उत्ते नवा केस करन ते भी सवाल चुके ने। सर्व उच्च अदालत देश की सर्व उच्च अदालत एक वड्डे जिहड़े मुलजम नू ओह मुलजम जिहड़ा किन्ने केसां दे विच फसिया होया, ओह मुलजम जिहड़ा बरगाड़ी ते बहबल कलां गोलीकांड दे विच वी हुण नामजद कर लिया गया, उसनू बचाउण दी कोशिश है जिहड़ी न्यायपालिका कर रही है कहा जा सकता है इन्हां बयानां नूं सुनने तो बाद। अगली खबर भाई रूपा तो आ रही है, बहुत ही शर्मसार करने वाली खबर है। इत्थे पिंड आदमपुरा दे विच एक प्यो ने अपनी 6 महीनों की बच्ची नूं कंध विच मार के कतल कर दिता, उस तो बाद अपनी पत्नी ते सहुरे नूं भी जख्मी कर दिता। चौंकी दयालपुरा भाईका पुलिस ने मां दे बयानां दे आधार दे उत्ते बच्ची दी मां दे बयानां दे आधार ते पिता खिलाफ़ कतल ते होर तरहां तहत केस दर्ज कर लिया। इन्हां दा विआह 2017 दे विच होया सी। 6 महीने पहला एक लड़की एकनूर कौर ने जन्म लिया सीगा। विआह तो बाद उसका पति कंपनी दे विच लग्या होया सी, जॉब करदा सी, ते लड़ाई रहिंदी सी घर दे विच के इस व्यक्ति दे कथित तौर पर किसी विदेशी औरत दे नाल संबंध सन ते उहदे नाल विआह करवाउणा चाहुंदा सी। पति उन्हां दोवें मां धी नूं चंगा नहीं समझदा ते लड़ाई झगड़ा करदा रहिंदा सी, ते जदों उह अपने सहुरे पिंड गया होया सी पिंड आदमपुरा दे विच तां उत्थे रात नूं 9 बजे दे करीब उन्हें अपनी धी नूं चुक के कंध नाल मारिया ते उत्थे ही उस बच्ची दी मौत हो गई। खबर खन्ना तो है जिथे खन्ना पुलिस नूं उदों भाजड़ पै गई जदों एक औरत ने पानी दी टैंकी दे उत्ते चढ़ के आत्मदाह करन दी कोशिश कीती। गुरु गोबिंद सिंह नगर अमलोर रोड दी वसनीक हैप्पी नाम दी ये औरत सब्जी मंडी विच बनी पानी वाली टैंकी दे उत्ते जा चढ़ी ते पुलिस खिलाफ़ नारेबाजी करनी शुरू कर दिती। पुलिस मौके ते पहुंची, औरत नूं उतरन दी अपील कीती पर उसने तेल दियां बोतलां ते माचिस दी डब्बी दिखाउंदे होए चेतावनी दित्ती कि जे मैनूं बचाउण दी कोशिश कीती तां मैं आत्मदाह कर लवांगी। उन्हें दोष लाया कि थाणा सिटी 2 दी पुलिस ने उस दे पुत्तर नूं चोरी दे मामले विच जाण बुझ के फसाया ते हुण उस नूं रिहा करन दे बदले मोटी रकम मंग रही है पुलिस। इस मसले दी जानकारी मिली ते इस तों बाद कुछ पत्रकारां दी मदद दे नाल औरत नूं टैंकी तों समझा बुझा के उतारिया गया ते भी भरोसा दिता गया कि पुलिस उसके परिवार नाल धक्केशाही नहीं करेगी। जलंधर तो खबर है जिथे 2 थावां ते अग लगण दीआं घटनावां वापरियां, लखां दा समान सड़ के सुआह हो गया। मॉडल टाउन मार्केट विचलियां कुछ जुत्तियां ते कपड़ियां दीआं दुकानां नूं अचानक अग लग गई। सवेरे धुआं निकल रहा सी, हले दुकानां खुल्लियां भी नहीं सी उदों शॉर्ट सर्किट होण दे नाल अग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आ के अग बुझाई ते लखां दा समान है जिहड़ा इन्हां दुकानां दे विच सड़ के सुआह हो गया। ANI ने जानकारी दिती है कि 6 फॉर जस्टिस नाल जुड़े कुछ मामलों के ANI दे वल्लों पंजाब दे फिरोजपुर लुधियाना ते मोगा जिलों के 6 थावां दे उत्ते तलाशी ली गई है अते जिहड़े सिख नौजवान इस मामले दे विच फसे हुए ने खालिस्तान का झंडा लहराने के मामले के उन्होंने घरों काफ़ी सारिया इलैक्ट्रॉनिक चीज़ा मिली ने जिद पेन ड्राइव लैपटॉप हार्ड डिस्कों से होर दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने विद्यार्थियों स्कूल छड्डन का सर्टिफिकेट मुहैया करवाउण की विधि नूं सौखा कर दिता है ते हुण इहदे लई ऑनलाइन पोर्टल बना दिता है। जिहड़े भी जिले का विद्यार्थी होगा वह अपने जिले के सिक्ख्या अफसर के दफ्तर जाके ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन किवें प्राप्त करना है ये जिला सिक्ख्या अफसर के दफ्तर के उत्ते पूरी जिम्मेवारी होगी ते उही स्कूल के नाल तालमेल बना के ये सर्टिफिकेट लैके विद्यार्थी नूं देवेगा।
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਈ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਫਾਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ DDOs ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ UP ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 51 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 10 ਤੋਂ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 8 CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। UP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, 2 ਭਰਾਵਾਂ, ਭਾਬੀ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਹਰ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 1 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, 4 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 2 ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ UP ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ PAC ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। PAC ਦੇ 15 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 1 ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵਜੀ ਪਟੇਲ ਅਤੇ 4 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ HJ ਜਲਾਲਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਮਨਗਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ BJP ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ BSNL ਅਤੇ MTNL ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ ਯਾਨੀ ਕਿ BSNL ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ MTNL ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। DOT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BSNL ਅਤੇ MTNL ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ SMA ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ FMA ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੇ
पा दिती है। कांग्रेस के कौमी लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि बंगलादेश साढ़े तो अगे निकलन वाला है, भारत विचले नफरत भरे राष्ट्रवाद की यह प्राप्ति है। कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी ने बंगलादेश के बारे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड के अंदाजे के लिए बीजेपी की निंदा की, कहा कि यह देश नेड़े भविख के जी डी पी के मामले च भारत तो अगे निकल जाएगा। तो यह भारत के नफरत भरे सभ्याचारक राष्ट्रवाद की प्राप्ति है कि बंगलादेश वर्गा मुल्क है जोड़ा वह भारत तो मूहरे निकल जाऊगा जी डी पी के। राहुल गांधी ने इतने आई एम एफ के अनुमाना का एक ग्राफ भी साझा किया है ट्वीट से उन्होंने ये गल कही है। अगली खबर है जम्मू कश्मीर की सबका मुख्यमंत्री पी डी पी की प्रधान महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर मसले के हल और धारा 370 की बहाली के लिए अपना संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। महबूबा मुफ्ती 14 महीनों की हिरासत तो बाद रिहा किया गया। मंगलवार रात यानी कि लंघी रात को इस लीडर रिहा किया गया है। पी डी पी की प्रधान जम्मू कश्मीर सूबा हुंदा सी जदों उसकी मुख्यमंत्री सी। महबूबा ने कहा कि पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र ने जो फैसला किया वह दिन दिहाड़े की लुट सी, असी उस दे खिलाफ संघर्ष जारी रखांगे। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर के उत्ते अपना ऑडियो संदेश है जिहड़ा वह पोस्ट किया है, कहा सानू सारे नू एक संकल्प करना पवेगा कि जो कुछ पिछले साल 5 अगस्त नू साढ़े कोलों गैर कानूनी गैर संविधानिक गैर तरीके दे नाल खोहिया गया असी इस नू वापस लवांगे। सानू कश्मीर मुद्दे नू सुलझाउण लई भी काम करना पवेगा जिस लई हजारां लोकां ने अपनियां जानां गवा दित्तियां। खबर हैदराबाद तो है जिथे तेलंगाना के कई इलाकों के बहुत ही भारी मीह पै रहा है। तो मीह पैण के कारण 11 लोगों की इत्थे मौत हो गई है। भारी मीह कारण सड़कां ते नीवे इलाकों के हड़ आ गया। दो घरां दे ते कुछ पत्थर डिगण के कारण 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 4 होर जख्मी हो गए। जख्मियों का इलाज हो रहा है। इस नाल ही इब्राहिम पटनम खेतर दे विच एक पुराने घर की छत डिगण नाल 40 साल औरत ते उसकी 15 साल की धी की मौत हो गई। तो इतने जन जीवन भी ठप होकर रह गया। सरकार ने लोगों नूं घरां दे विच रहण की हदायत दिती है, पर जिन्हां लोगों के घर डिगण वाले ने वह घरां दे विच किवें रह सकते हैं? सरकार नूं इसका प्रबंध जरूर करना चाहिए। अगली खबर भारत के उस व्यक्ति दे नाल जुड़ी हुई है जिसनू भारत सरकार ने अतवादी करार दिता है। तो यह व्यक्ति भारत का सब तो वड्डी उम्र का बजुर्ग है जिसनू भारत ने अतवादी ऐलानिया। वीरवार शाम नू भारत की कौमी जांच एजेंसी के जासूस एक लाल SUV गड्डी दे विच सवार होके भारत के पूर्वी सूबे झारखंड दे विच पैंदे रांची के बारी हिस्से की एक चिट्टी इमारत दे विच पहुंचे। 83 साल बीमार पादरी अते कारकुन नू उत्थों फड़िया, मोबाइल फोन जब्त कर लिया ते अपना बैग पैक करन दे लई कहा। हवाई अड्डे ते लै गए, हवाई जहाज राही मुंबई लै गए जिथे स्टैन स्वामी नां दे इस व्यक्ति नू 23 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत दे विच रखण दा फैसला सुनाया गया। ते स्टैन स्वामी हुण तक दे सब तो वड्डी उम्र दे व्यक्ति ने जिन्हां दे खिलाफ भारत दे विच अतवाद दे इल्जाम लगे ने। इन्हां दे खिलाफ UAPA तहत कार्रवाई की जा रही है। कौमी जांच एजेंसी जो कि अतवाद विरोधी मामलों नू नजिठदी है, उन्हां नू 2018 दे विच जाति आधारित दंगियां दे संबंध विच गिरफ्तार करके लै गई अते माओवादी होण दे कथित इल्जाम भी लगाए। दरअसल स्टैन स्वामी वह व्यक्ति ने जिहड़े पूर्वी ते मध्य भारतीय सूबियां दे विच सरगर्म बागी ने ते कम्युनिस्ट शासन कबायली अते पेंडू लोग ने उन्हां दे अधिकारां दे लई लड़ाई लड़ रहे ने। गिरफ्तार होण तो कुछ दिन पहला स्टैन स्वामी ने कहा सी कि गुप्तचरां ने जुलाई दे विच 15 घंटे तक मेरे तो पुछगिछ कीती सी, मैनू उस मेरे कंप्यूटर दे विचों कुछ लिखतां दिखाईआं सी ते उन्हां दे आधार दे उत्ते मेरा माओवादियों के नाल संबंध जोड़ दिता गया। जबकि स्टैन स्वामी इन्हां सारे इल्जामां नूं खारिज करदे ने ते स्टैन स्वामी का नाम एक समाज सेविक दे वजों लिया जांदा है। दस दिए कि जून 2018 तो हुण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की BJP सरकार ने महाराष्ट्र के पिंड भीमा कोरेगांव दे विच हिंसक घटना के नाल संबंध दसते हुए 16 लोगों को जेल भेज दिता है। तो इन 16 लोगों के विद्वान, वकील, सिक्ख्याकर्मी, सभ्याचारक कारकुन और वडेरी उम्र के इनकलाबी कवि शामिल ने जिहड़े जेल के COVID-19 तो भी प्रभावित हुए। इन्हों दी गिरफ्तारियों के विरोध के पंजाब दे विच भी रोस मुजहरे होंगे रहते ने समय समय से। तो स्टैन स्वामी की इस गिरफ्तारी के उत्ते गिरफ्तारी तो वध इन्हों के उपर जो अतवाद
अतवाद का कानून लाया गया है, अतवाद रोकू गतिविधियां दे कानून तहत कार्रवाई की जा रही है। उसनू लैके यूनिवर्सिटी ऑफ मानचेस्टर दे जनतक नीति विभाग की प्रोफेसर संगीता कमत कहती है कि यह पूरी तरह के नाल हैरान करने वाली गल है। भारत में मनुखी अधिकारों के हमायतियों के उत्ते इस पद्धर का अत्याचार पहला कदे भी नहीं होया। वो कहती है कि इसकी तुलना 1975 के नाल की जा सकती है, जदों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मनुखी अधिकारों नू रोकण अते सेंसरशिप नू लागू करन दे लई अण ऐलानी एमरजेंसी दा भारत दे विच ऐलान कीता सी। उस दौर दे नाल इस प्रोफेसर ने तुलना कीती है अज दे दौर दी। दुनिया भर दीआं अहम खबरां दे विच कोरोना वायरस दे नाल जुड़ी जानकारी सब तों पहलां दसांगे कि यूरोप दे विच तेजी दे नाल मामले वध रहे ने ते मुड़ तों सख्ती कर दित्ती है सरकारां ने। कई मुल्कां दे विच इक वार फिर तों पाबंदियां लाईआं जा रहीआं ने। बरतानिया दे इंग्लैंड दे विच कोरोना वायरस दे वधदे मामलिआं नूं देखदे होए मध्यम उच्च अते वधेरे उच्च खतरे वाले तीन हिस्सिआं दे विच वंड दित्ता गया इंग्लैंड नूं ते उत्थे उस प्रकार दे नाल सख्ती है जिहड़ी उह वरती जा रही है। ब्रिटानिया सरकार के विज्ञानिक सलाहकारां ने कहा है कि हाले भी जनतक थावां दे उत्ते बहुती सख्ती दिखाई नहीं दे रही जिहड़ी कि होनी चाहीदी है। चैक गणराज दे विच तीन हफ्तियां दे लई आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिता गया, जिस तों बाद स्कूल बार ते क्लब बंद रखने होणगे। नीदरलैंड दे विच भी अगले चार हफ्तियां दे लई आंशिक लॉकडाउन ला दिता गया। आंशिक का मतलब हुंदा है कि एक टाइम फिक्स हुंदा है कि एक दिन दे विच इन्ना टाइम आ चीज़ बंद रहूगी, ते जिहड़ियां जनतक थावां ने उत्थे मास्क पाउणा जरूरी कर दिता गया नीदरलैंड दे विच। फ्रांस की राजधानी पैरिस दे विच सरकारी हस्पतालां दी जथेबंदी ने कहा है कि अगले हफ्ते दे अंत तक पैरिस के हस्पतालों के 90% बैड कोरोना वायरस मरीजों नाल भर जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने होर सख्तियां का ऐलान करन दे संकेत दे दिते ने ते बुधवार को यानी कि अज होर सख्तियां करन जा रहे ने। दसिया जा रहा है कि पैरिस दीआं कई थावां ते रात का करफ्यू भी ला दिता गया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा है कि असी स्थिति के उत्ते नज़र बना के रखी हुई है, मैं जरूर कहना चाहूँगी कि हालात गंभीर बने हुए ने। हुण तुहानू दस दिंदे हां अमरीका की खबर, जिथे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका दे विच लगे हुए लॉकडाउन का सख्त विरोध किया है। लॉकडाउन जिहड़ा हटाउण की वकालत ट्रंप ने की है, कहा कि इलाज है जिहड़ा उस समस्या तो भैड़ा नहीं होना चाहिए, इलाज समस्या तो बदतर नहीं होना चाहिए। एक रैली में संबोधन करते ट्रंप ने कहा है कि लॉकडाउन नाल सूबे नूं वड्डे पद्धर ते नुकसान होया, तो मेरिया नीतियां ने जिहड़ियां उन्हां ने लखां लोगों की जान बचाई हुई है, अमेरिका दे विच ये कहा है ट्रंप ने। खबर पाकिस्तान तो आ रही है, जिस दे उत्ते माड़े ही इल्जाम लगते हैं। पाकिस्तान दे उत्ते इल्जाम लगते रहे हैं कि इत्थे मनुखी अधिकारां दा घाण हुंदा है, माड़े मनुखी अधिकारां दा रिकॉर्ड भी बन चुकिया पाकिस्तान दा। इस दे बावजूद पाकिस्तान ने UN मनुखी अधिकार कौंसल की मैंबरी है जिहड़ी वह जित ली है। इन्ने विरोध के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र मनुखी अधिकार कौंसल के लिए पाकिस्तान को मुड़ तो चुनिया गया। पाकिस्तान के विदेश दफ्तर ने जानकारी दी है कि एशिया प्रशांत खेत्र दीआं चार सीटां के उत्ते पांच उम्मीदवारां दे विचों संयुक्त राष्ट्र की सब तो वड्डी मनुखी अधिकार संस्था के लिए पाकिस्तान को सब तो वध वोटां मिलियां ने। पाकिस्तान को गुप्त मतदान के 169 वोटां हासिल हुई ने। उज़्बेक पाकिस्तान 164, नेपाल 150, चीन 139 वोटां मिलियां ने। साउदी अरब 193 मैंबरी महासभा दे विच सिर्फ 90 वोटां हासिल हुईयां ते दौड़ चो बाहर हो गया ते पाकिस्तान नूं सब तो वध वोटां मिलियां ने। अगली खबर अफगानिस्तान तो है, जिथे हलमंद सूबे दे विच फौज अते तालिबानी लड़ाकियां दे विचकार गंभीर लड़ाई चल रही है, गहगच लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई के कारण हज़ारां परिवारों नूं अपने घर छड्ड के होरनां थावां ते रहना पिया। बुधवार यानी कि अज इस लड़ाई का तीजा दिन है, जदों अफगानिस्तान फौजी रणनीति के पक्षों अहम सूबे की राजधानी लश्करगाह नूं तालिबान हमले तो बचाउण की कोशिश कर रहा है। खदशा जताया जा रहा है कि युद्ध अते हिंसा कारण हुण तक 35,000 लोगों नूं प्रवास करना पिया। अफगानिस्तान की इस हिंसा के चलदियां हेलमंद अते गुआंढी कंधार सूबे दे विच बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई है। तालिबान ने इत्थे एक पावर सबस्टेशन दे उत्ते हमला कर दिता सी। कई टैलीकम्युनीकेशन नैटवर्क भी
ठप हो गए ने। कयास लाया जा रहा है कि इतने हुण तक 500 परिवारों नूं बेघरे भी होना पिया। कई आंढ गुआंढ दे विच खबर पनाह लैण दीआं भी खबरां ने। अगली खबर इटली तो आ रही है। इटली सरकार ने मौसमी कम्मां दे लई विदेशी कामियां दी मंग कीती है। यानी कि इटली सरकार ने मौसमी कोटे दे वीजे ने जिहड़े उह खोल दित्ते ने, क्योंकि इन्हां पेपरां दे राहीं आमदन दे नाल सरकार दी आर्थिकता नूं काफ़ी हुलारा मिलदा है, सहारा मिलदा है। इटली दी सरकार दे वल्लों करोना दे कारण जिहड़ी आर्थिकता प्रभावित हुई है उहनूं ठीक करन दे लई इह कहिंदे यतन कीते जा रहे ने। इहदे तहत भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका समेत कई देशां दे लोक मौसमी कोटे वाले जिहड़े पेपर भर सकणगे। यानी कि काम करन दा जिहड़ा वर्क वीज़ा है इटली दा, वह मिल सकेगा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश अते श्रीलंका दे लोकां नूं। इटली दा वर्क वीज़ा हुण मिल जाएगा। इहनूं मौसमी कोटा कहा जांदा है। इटली सरकार दी वैबसाइट है मिनिस्टरो डेल इंटेरनो, उस दे उत्ते मौसमी पेपरां दे बारे जानकारी सांझी कीती गई है, जिहदे विच 30,850 कामियां नूं सद्दण दा ऐलान कीता गया। सो जिहड़े भी लोक इटली जाणा चाहुंदे ने इस मौसमी कोटे के जरिए, वह इटली सरकार की जी वैबसाइट है, अधिकारित वैबसाइट, उत्थे विजिट कर सकते हैं। उत्थे जो भी जानकारी दिती है वो मुताबिक तुसी अप्लाई कर सकते हो। इन्हां दे विच खेतीबाड़ी, टूरिस्ट, होटल सैक्टर 18,000 लोगों का कोटा निर्धारित किया गया, जबकि गैर मौसमी, स्वैरोजगार, रुजगार के बदलाव लिए 12,850 का कोटा जिहड़ा सीमित रख्या गया। इस कोटे विच निर्माण ते सैर सपाटा होटल दे लई 6,000 एंट्रियां गैर मौसमी अधीन कम्मां दे लई राखवियां रखियां गईयां ने। अगली खबर आस्ट्रेलिया तो है, जिथे भयानक सड़क हादसे दे विच इक पंजाबी नौजवान की मौत हो गई। मृतक नौजवान मोहाली जिले के खरड़ सनी इनकलेव का रहने वाला सी। मृतक नौजवान का नाम गगन चाहल अते उसका पिता बलविंदर चाहल हाल ही विच मोहाली पुलिस तो ट्रैफिक इंस्पैक्टर वजो सेवा मुक्त होया सी। मापिया का इकलौता मुंडा सी ते अपनी भैन सिमर दे नाल मेलबर्न दे विच रहिंदा सी। हादसा उस वक्त वापरिया जदों गगन ट्रक दे उत्ते जा रहा सी। ट्रक अचानक दरख्त दे नाल टकरा गया, उस तो बाद ट्रक नूं अग लग गई ते उस हादसे दे विच गगन दी मौत हो गई। दुनिया दीआं खबरां दे विच जांदे जांदे तुहानूं दस दईए खबर, जिहड़े लोक गैजेट्स नूं पसंद करदे ने, एप्पल आईफोन 12 जिहड़ी है ओह रिलीज़ कर दित्ता गया, लॉन्च कर दित्ता गया एप्पल दे वल्लों, ते नवीं सीरीज़ दे 4 मॉडल बाज़ार दे विच एप्पल ने लियांदे ने। 4 मॉडल आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो ते आईफोन 12 प्रो मैक्स, इन्हां दी कीमत भी वक्री वक्री है। ते आईफोन 12 मिनी है जिहड़ा ओह 5G टैक्नोलॉजी वाला दुनिया दा सब तो निक्का फोन होएगा, अते इस दी विक्री है जिहड़ी ओह 6 नवंबर तो शुरू होएगी। पर भारत दे विच इह मॉडल मिलने कदों शुरू होणगे इस बारे हाले कोई जानकारी नहीं है। इन्हां दी कीमत भी वक्री वक्री है। एप्पल 12 फोन लॉन्च होण दे नाल नाल ये भी तुहानूं जानकारी दे दईए कि एप्पल नूं 81 बिलियन दा घाटा पिया है। ताज़ा 4% शेयर डिगे ने जदों एप्पल 12 लॉन्च होया। तो इस दे नाल ही ये भी जानकारी असीं तुहानूं इंडिया टाइम्स वैबसाइट के हवाले दे नाल दे रहे हैं कि एप्पल 12 जो तुसीं खरीदोगे तुहानूं इहदे नाल मुफ्त दे विच चार्जर जां फिर हैडफोन नहीं मिलणगे। यानी कि तुहानूं वक्खरे पैसे दे के चार्जर ते आईफोन दे जिहड़े हैडफोन ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈੱਡਫੋਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।